माँ भक्ति विकास संस्थान के महेशाश्रम द्वारा जनाना चिकित्सालय में पालना स्थल की स्थापना की गई है। मुख्य उद्देश्य जो अनचाही नवजात संतान होती है, मुख्यतः बेटियाँ, जिन्हें लोग पैदा होते ही डस्टबिन और झाड़ियों में फेंक देते हैं, उन्हें बचाना है। हमारे द्वारा यहाँ पर एक पालने की स्थापना की गई है। इस पालने में जिसके भी घर में नवजात बेटी का जन्म हुआ है और वो उसे नहीं चाहिए, तो हम उससे विनती करते हैं, हमारी उससे प्रार्थना है कि वो उस नवजात बच्ची को फेंके नहीं, डस्टबिन में, झाड़ियों में, रेलवे ट्रैक पर, या छोड़े नहीं मंदिर की सीढ़ियों पर इत्यादि जगह, वो इस पालने में उस बच्ची को छोड़ जाए। जैसे ही वो किसी बच्ची को इस पालने में छोड़ा जाता है, इसका सॉफ्टवेयर अपने आप चालू हो जाता है और 2 मिनट बाद घंटी बजती है। 2 मिनट में वह व्यक्ति जिसने संतान का सुरक्षित परित्याग किया है, वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य उस नवजात का जीवन बचाना है। फिर अंदर हमारे स्टाफ 24 घंटे यहाँ पर स्टाफ रहता है। जैसे ही यहाँ पर बजर बजता है, स्टाफ तुरंत सतर्क हो जाता है कि यस, कोई पालने में बच्चा आया है, और वो यहाँ से उस बच्चे को रिसीव कर लेता है। वह बाहर नहीं जाता उस बच्चे को रिसीव करने के लिए, ताकि वह माता पिता यहाँ से जिसने भी बच्चे का परित्याग किया है वो जा सके। उस बच्चे को यहाँ रिसीव किया जाता है और सारी सुविधाएं यहाँ पर एक बच्चे के प्राइमरी रिलेटेड जो भी रहती है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। उसके पश्चात तुरंत उस बच्चे को पास में ही NICU में दिखा दिया जाता है, डॉक्टर की सलाह ली जाती है, अगर आवश्यकता है तो उसे एडमिट कर दिया जाता है, और लगता है कि बच्चा स्वस्थ है तो यहाँ से उसे तुरंत आश्रम ले जाया जाता है। इतने से अल्प काल में इसकी स्थापना 10/10/2011 को की गई थी। आज 16/2/2013, मात्र 1.25 साल में यहाँ लगभग 18 से 20 बच्चों का जीवन पल्लवित हो चुका है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वह हर बच्ची बच सकी जिसे किसी भी कारण से माता पिता को परित्याग करना पड़ा। मैं समाज से विनती करता हूँ, अगर आपके घर में कोई बेटी पैदा होती तो उसे मारो मत, फेंको मत, हमें दो, वह किसी परिवार को जीने का कारण बनेगी, किसी परिवार को खुशियाँ देगी। यही मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद।